अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी में आप सबके लिए लेकर आई हूँ हैदराबाद की फेमस मिलन जूस सेंटर जैसी शहतूत मलाई की रेसिपी। शहतूत मलाई बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 125 ग्राम फ्रेश शहतूत। इसे अच्छी तरह से वॉश करके इस तरह से आधे आधे टुकड़ों में कट कर लीजिए। ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे, अगर नहीं तो फिर हाइपर मार्केट में ज़रूर मिलेंगे। अब एक बोल में शहतूत डालिए। अब इसमें 100 ग्राम फ्रेश क्रीम डालिए। अगर फ्रेश क्रीम इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चौथाई कप मिल्क मेड डालिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करिए। ध्यान रहे शहतूत नहीं टूटना चाहिए। अब आधे घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद एक बोल में निकाल लीजिए। ये देखिए, ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो गई है। इसको मिल्क मेड से गार्निश करिए। मज़ेदार फेमस मिलन जूस सेंटर जैसी शहतूत मलाई घर पर बनकर तैयार है। सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट से आप इसे घर पर ही बना सकते हैं। ये जल्दी बनने वाला और बहुत ही टेस्टी डेजर्ट है। अपने बच्चे, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ इसे ठंडा ठंडा एंजॉय करिए। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। खुश रहिए, हेल्थी रहिए, अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।